तो उसका दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी मदद करें। वाह, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब तुमने बनाया है? हमारा तो डील था ना, तो ये मेरा पेमेंट है समझो। बैठो। ये लो, ये करेला और शहद का जूस बनाया है मैंने, और इसमें थोड़ा अजवाइन भी डाला है। ये तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छा है, इसे पी लो। मैं देखती हूँ। ट्रेस पासिंग कर रहे हो तो क्या पुलिस बुलाओगी? भूख लगी है तो क्यों ना हमारे साथ बैठो। टोस्ट जला हुआ है, चिकन ज्यादा पका है, सैलेड फ्रेश नहीं लग रहा। और ये जूस बासी है। तुम्हें क्या करना है? घर चलो। सुमो यार, जब तक सच का पता नहीं चलता मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, चले जा। मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो मैं जा रही हूं। बोबोस थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन तुमसे ज्यादा परेशान भी है। मुझे पता है, तुम मत बताओ। भले तुम मेरा हाल नहीं पूछोगे, लेकिन मैं पूछूंगा तुम्हारा। इतना भी मत शर्मा, बैठो मेरे साथ। मैं बीमार हूं, खड़े होने से पैर दुखेंगे। तुम वापस क्यों आए? मुझे मदद करनी थी। यह हमारा घरेलू मामला है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब शाओफेंग परेशान हो तो उसका दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी मदद करें। तो क्या सोचा तुमने? जो फैमिली का प्रॉब्लम है, ओयांग चिंगशी ने उसे बताया। ये उसकी रिकॉर्डिंग है। मुझे कुछ गलत लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूं। मेरे पास एक आइडिया है। कैसी आइडिया, बताओ मुझे। मेरे साथ आओ। किसी से कांटेक्ट कर रहे हो? हाँ, वो चाइना साइबर हैकिंग कंपटीशन का चैंपियन है, हमें बस उसके लिए रुकना है।
नूब। मजा आया? चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो? क्या हम हॉटपॉट ऑर्डर करें? कुछ दिन पहले शाओफेंग ने उसके डिप की रेसिपी मुझे बताई थी। हॉटपॉट के डिप्स तो वो रोज ही बनाती है, तुम कुछ नहीं जानते। आखिरी बार कब खाया? तुम क्या जानना चाहते हो कि हमने क्या खाया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? तुम तो बीमार हो, तुम कैसे वो खा सकते हो? इसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? इस ऑडियो ट्रैक के कुछ हिस्से किसी ने तो एडिट किए हैं। उस रिकॉर्डिंग के बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। इस बारे में उसे मत बताना। चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए मैं उसको जरूर मनाऊंगा। तुम उसके लिए अच्छे हो, बस दोस्त की हैसियत से। विश्वास रखो। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि सुमियन था, वो अभी अभी गया। क्या तुम मिले उससे? नहीं मिली। जब मैं चली गई तो उसने तुम्हें परेशान किया? कहीं उसने ज्यादा कुछ बोला तो नहीं? क्या उसने कुछ तुम्हारे साथ? मैं मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम बीमार हो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो पसंद है। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम वापस क्यों नहीं जाते? अच्छे से बात करो उनसे, आखिरकार तुम्हारा ये रिश्ता बहुत पुराना है, तुम्हें उनकी बातें सुननी चाहिए। शाओफेंग, शाओफेंग, शाओफेंग तुम आ गई? मैं अपना सामान लेने आई। छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं जाना चाहती हूँ। तो माँ पापा से एक बार बात तो करो।